हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत एक बार फिर। और आज का वीडियो है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम 2019 की जो स्पोर्ट्स से जुड़ी घटनाएं हैं वो कवर करने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले टेनिस को कवर करेंगे। राइट, देखिए मेरा जो वीडियो है वो स्पोर्ट्स वाइज होगा, ठीक है ना। हम स्पोर्ट्स के हिसाब से चलेंगे कि पहले टेनिस कवर करूंगा, फिर उसके बाद दूसरा कोई स्पोर्ट, फिर और स्पोर्ट्स। राइट, इसमें होगा क्या कि आपको एक ही तरह के जो खिलाड़ी हैं वो आपको कई बार सुनने मिलेंगे एक ही बार में। तो वो क्या होगा कि उससे आपको जो खिलाड़ी हैं उनके नाम याद हो जाएंगे, वो किस देश से संबंधित हैं वो आपको याद हो जाएंगे। राइट, और इसमें साथ ही एक चीज़ और ऐड की गई है कि इसमें मैं जो भी ऐसे देश हैं जिसकी जो कैपिटल्स हैं जो आसानी से याद नहीं होती, वो भी कैपिटल्स में मैं बताऊँगा, जिससे आपको जीके में सहायता होगी, याद करने में सहायता होगी कैपिटल्स को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो सिंगल्स का जो मैच है मेंस में, वो किन्होंने जीता, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, और उन्होंने राफेल नडाल को हराया। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और राफेल नडाल स्पेन से हैं। सर्बिया की जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। राइट, अब हम बात कर रहे हैं वुमेंस सिंगल्स में। तो वुमेंस सिंगल में नियोमी ओसाका जो कि जापान से, उन्होंने पेत्रा कवितोवा को हराया है। और पेत्रा कवितोवा कहाँ से हैं, चेक रिपब्लिक से हैं। राइट, देखिए जापान की कैपिटल तो पता होगी, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। राइट, क्या है, टोक्यो है। और चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो है प्राग, क्या, प्राग, PRAGUE। राइट, तो प्राग है चेक रिपब्लिक की कैपिटल। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, मैं कैपिटल भी कराते जाऊँगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं मेंस डबल्स की। तो मेंस डबल्स कैटेगरी में पियरे ह्यूजर्स व निकोलस मेहुत, इनकी जोड़ी ने हेनरी कॉन्टिनन व जॉन पियर्स की जोड़ी को हराया। राइट, अब हम देख लेते हैं कि कौन कहां से हैं। तो पियरे ह्यूजर्स कहां से हैं, फ्रांस से हैं, और निकोलस मेहुत ये भी फ्रांस से हैं। राइट, और फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। अब हम बात कर रहे हैं हेनरी कॉन्टिनन की। तो हेनरी कॉन्टिनन कहां से हैं, फिनलैंड से हैं। राइट, और फिनलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, हेलसिंकी है। राइट, हेलसिंकी। और जॉन पियर्स कहाँ से हैं, यूएसए से हैं, और यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राइट, तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं वुमेंस डबल्स की। तो वुमेंस डबल्स में सामंथा स्टासर व झांग सोई की जोड़ी ने टिमिया बाबुस व क्रिस्टीन लादेनोइक की जोड़ी को हराया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी ये कौन कहाँ से हैं। तो समंथा स्टासर कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है, और झांग सुई कहाँ से, चाइना से है। राइट, और टिमिया बाबोस कहाँ से, हंगरी से है, और क्रिस्टीना लादिनोइक कहाँ से, फ्रांस से है। राइट, अब हम बात करते हैं कि जो हंगरी है, हंगरी की जो कैपिटल है वो क्या है, हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट। राइट, तो यहाँ पर कैपिटल क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करें मिक्स डबल्स की। तो मिक्स डबल्स में बारबोरा क्रिसिकोवा व राजीव राम की जोड़ी ने, इन्होंने जीत दर्ज करी है। और जो बारबोरा क्रिसिकोवा है वो कहाँ से है, वो चेक रिपब्लिक से हैं। राइट, और राजीव राम कहाँ से, यूएसए से हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें फ्रेंच ओपन की। और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल में राफेल नडाल ने जीत दर्ज करी है, और उन्होंने डोमिनिक देम को हराया। और डोमिनिक देम कहाँ से, ऑस्ट्रिया से हैं, और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है। राइट, वुमेन सिंगल में एस्ले बार्टी ने जीत दर्ज करी, और उन्होंने मार्केटा वेंड्रिजोवा को हराया। और जो मार्केटा वेंड्रिजोवा है वो कहाँ से है, वो चेक रिपब्लिक से हैं। राइट, और चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो मैं बता चुका हूँ, प्राग है उसकी कैपिटल। अब हम बात करते हैं मेंस डबल्स की। तो मेंस डबल्स में केविन क्रोवेटस और एंड्रोज मीस, केविन क्रोवेटस और एंड्रोज मीस दोनों जर्मनी से, इन्होंने जीत दर्ज करी, और इन्होंने जेरमी चार्डी और फैब्रिक मार्टिन को हराया। और ये जेरमी चार्डिक और फैब्रिक मार्टिन जो है, ये फ्रांस, जो दोनों खिलाड़ी कहाँ से, फ्रांस से हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और वुमेंस डबल्स की बात करते हैं। और वुमेंस डबल्स में टिमिया बारबोस व क्रिस्टीना लादेनोइक की जोड़ी ने जीत दर्ज करी, जिनके बारे में हम अभी पहले बात कर चुके हैं। और इन्होंने किन को, द्वांग यिंगयिंग और जेन साई साई को हराया, ये दोनों चाइना से हैं। राइट, आगे बात करते हैं मिक्स डबल्स की। और मिक्स डबल्स में लातीसा चान और एवान डोनिंग की जोड़ी ने जीत दर्ज करी। लातीसा चान कहाँ से, चीनी ताइपे से हैं, और चाइनीज़ ताइपे की जो कैपिटल है वो क्या है, चाइनीज़ ताइपे की कैपिटल क्या है, ताइवान है। और क्रोएशिया
इवान डोडिंग कहाँ से? क्रोएशिया से हैं, और क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जेग्रेब. क्या है? जेग्रेब, ZAGREB, राइट. जेग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम बात कर रहे हैं विंबलडन की. तो विंबलडन में मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने जीत दर्ज करी, जो कि सर्बिया से है, राइट. और उन्होंने रोजर फेडर को हराया, जो कि स्विट्जरलैंड से. स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल वो बर्न है, राइट. अब वुमेन सिंगल्स की बात करते हैं, तो इसमें सिमोना हालेप ने जीत दर्ज करी, जो कि रोमानिया से. रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट है, राइट. और इन्होंने किनको? सेरेना विलियम्स को हराया, जो कि यूएसए से है. अब हम बात करते हैं मेंस डबल की, राइट. तो मेंस डबल में सेबेस्टियन कबल ने कबल और रॉबर्ट फरा इनकी जोड़ी ने किसको? निकोलस मेहुत और रोजर वेस्लिन को की जोड़ी को हराया, राइट. अब हम बात करते हैं जुआन सेबेस्टियन कबल और रॉबर्ट फरा, ये कहाँ से? कोलंबिया से हैं. कहाँ से ये हैं? कोलंबिया से हैं. और कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा. क्या है कोलंबिया की कैपिटल? बोगोटा, राइट. और जो निकोलस मेहुट और रोजर वेस्लिन, ये कहाँ से? ये फ्रांस से हैं, राइट. अब हम बात करें वुमेंस डबल्स की. अब वुमेंस डबल्स में से सुवेई व बारबोरा स्ट्राइकोवा की जो जोड़ी है, इन्होंने गैब्रियला डेब्रोस्की और यू येफिन की जोड़ी को हराया, राइट. अब हम यहाँ पर सबकी कंट्री देख लेते, कौन कहाँ से हैं. तो सी सुवेई चाइनीज ताइपे से हैं, और बारबोरा स्ट्राइकोवा चेक रिपब्लिक से हैं, और गैब्रियला डेब्रोस्की कनाडा से हैं, और यू यिफान चाइना से हैं, राइट. हम बात कर रहे हैं मिक्स डबल्स की. तो मिक्स डबल्स में लतीसा चांद, जो कि चाइनीज ताइपे से हैं, और इवान डोडिंग, जो कि क्रोशिया से हैं, इनकी जोड़ी ने जीत दर्ज करी है, राइट. और यहाँ पर जो लतीसा चांद है, ये वुमेन्स हैं, और इवान डोडिंग ये कौन से? मेन्स हैं, राइट. तो आई होप क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते. अब हम बात कर रहे हैं मेन्स सिंगल्स यूएस ओपन की, और इसमें राफेल नडाल ने जीत दर्ज करी, और इन्होंने डेनिल मेदवेदेव को हराया, जो कि रसिया से हैं, राइट. और रसिया की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को. और वुमेन सिंगल्स पे चलते हैं हम, तो इसमें बियंका एंड्रीस्क्यू, जो कि कनाडा से हैं, इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया, जो कि यूएसए से हैं. और कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा, राइट. अब हम बात करते हैं मेंस डबल्स की. तो मेंस डबल्स में सेबेस्टियन केबल और रॉबर्ट फरा, जो कि दोनों कोलंबिया से हैं, इनकी जोड़ी ने मार्सल ग्रेनोलर्स और होरोसिया जेबलोस इनकी जोड़ी को हराया. और मार्सल ग्रेनोलर्स कहाँ से? स्पेन से हैं. और होरोसिया जेबलोस कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं, राइट. और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स. क्या है? ब्यूनस आयर्स. अब हम बात कर रहे हैं वुमेंस डबल्स की. तो वुमेंस डबल्स में एलिस मर्टेंस, जो कि बेल्जियम से हैं, और एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस से हैं, इनकी जोड़ी ने विक्टोरिया अजरेंका और एस्ले बार्टी की जो जोड़ी है इसको हराया, राइट. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि विक्टोरिया अजरेंका कहाँ से, ये भी बेलारूस से हैं, और एस्ले बार्टी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से हैं, राइट. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है. तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, और बेलारूस की जो कैपिटल है वो क्या है? मिन्स्क है, राइट. और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट. तो अब आगे बढ़ते हैं, हम मिक्स डबल्स की तरफ चलते हैं. और मिक्स डबल्स में बेथिनी मैटिक सेंट्स और जिमी मुरे इनकी जोड़ी जीती है, राइट. इन्होंने जीत दर्ज किया है. और बेथिनी मैटिक सेंट्स ये कहाँ से? यूएस से हैं, यूएसए से हैं. और जिमी मुरे कहाँ से? यूके यानी इंग्लैंड से है, राइट. तो आई होप क्लियर हुआ होगा यूएस ओपन. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम बात करते हैं डेविस कप की. तो जो डेविस कप 2019 है, यह 108वां एडिशन था डेविस कप का. और डेविस कप बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जो मेंस टेनिस की जो नेशनल टीम्स हैं उनके बीच में खेला जाता है, राइट. तो इसमें क्या है, स्पेन ने जीत दर्ज करी 2019 के डेविस कप में, जिसमें उसने कनाडा को 2-0 से हराया. और इसमें राफेल नडाल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो घोषित किए गए, राइट. और डेविस कप में क्या था कि अपना एक मैच भारत ने जो जीता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता था, 4-0 से पाकिस्तान को हराया था, राइट. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम देख रहे हैं कि भारत का डेविस कप में प्रदर्शन किस तरह से रहा, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं. तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान को 4-0 से भारत ने हराया था, राइट. और इसमें भारत की तरफ से जो प्लेयर है जिन्होंने जो भाग लिया था वो थे राम कुमार रामनाथन, राइट, और सुमित नागन. इन्होंने अपने सिंगल्स मैच खेले थे, और जीवन नेदुजेनियन और
लिएंडर पेस, इन्होंने अपना डबल्स का मैच खेला था, राइट, और सुमित नागल का एक और मैच हुआ था, और राम कुमार रामनाथन का मैच खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, इससे पहले ही जीत दर्ज हो गई थी, राइट। देखिए, भारत अपना मैच पाकिस्तान से तो जीत गया, लेकिन इटली से हार गया, तो इटली से कितना, 1-3 से भारत जो है वो इटली से हार गया था। और इस मैच में कौन कौन खेले थे भारत की तरफ से, तो राम कुमार रामनाथन और प्रांजेश गणेश्वामी और सॉरी प्रांजेश गणेश्वरन और रोहन बोपन्ना, दिविज शरण और प्रांजेश गणेश्वरन का एक और मैच था, और राम कुमार रामनाथन का मैच खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इससे पहले ही जो है वो जीत दर्ज हो गई थी, राइट। तो आई होप ये इंडिया का जो डेविस कप का जो है ये थोड़ा सा कुछ आ सकता है, इसमें यही आ सकता है कि भारत की तरफ से जो प्लेयर खेले गए हैं तो वो प्लेयर जो है उनके बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फेड कप की, तो फेड कप का ये 2019 का जो फेड कप था इसका 57वां एडिशन था, राइट। और फेड कप भी बिल्कुल जो डेविस कप जैसे ही खेला जाता है, और इसमें भी नेशनल टीम्स होती है, लेकिन वुमेन्स टेनिस की जो नेशनल टीम्स होती हैं वो खेलती इसमें। और 2019 का जो फेड कप है वो फ्रांस ने जीता, और फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया था, और क्रिस्टीना लादेनोइक इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो है उनको अवार्ड मिला था, राइट। और इंडिया यहाँ पर अपना मैच थाईलैंड के अगेंस्ट तो जीत गई थी, लेकिन कजाकिस्तान के अगेंस्ट मैच और साउथ कोरिया के अगेंस्ट अपना मैच जो था वो हार गई थी। कजाकिस्तान और साउथ कोरिया के अगेंस्ट मैच वो रिस्पेक्टिवली 0-3 और 1-2 से हार गई थी भारत, और इंडिया जो है थाईलैंड से मैच वो 2-1 से जीत गई थी, राइट। तो ऐसा आ सकता है कि फेड कप में किस टीम के मतलब खिलाफ जो है भारत मैच जीती थी, तो थाईलैंड के खिलाफ भारत मैच जीती थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है एटीपी टूर के बारे में, राइट। तो देखिए एटीपी टूर क्या होता है, बहुत सारे मैच को मिलाकर माना जाता है एटीपी टूर, राइट। तो एटीपी टूर में 3 प्रकार की जो है वो प्रतियोगिताएं ज़्यादातर इसमें गिनी जाती हैं, तो एटीपी 250 जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर एटीपी 500 पढ़ेंगे हम, फिर एटीपी 1000 मास्टर जो है वो पढ़ेंगे, राइट, और हॉपमैन कप पढ़ेंगे हम, लेवर कप पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स हैं, और एटीपी फाइनल्स के बारे में हम जानेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एटीपी टूर 250। तो एटीपी टूर 250 ये बहुत उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ इसकी जो इवेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि जैसे हाल ही में एटीपी 250 की जैसे हाल ही में कोई मतलब इवेंट्स चल रही हूँ तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अब हम सब शुरुआत करते हैं कतर ओपन से, कतर ओपन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कतर ओपन कहाँ हुआ था, ये खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वास कॉम्प्लेक्स में हुआ था। अब कतर ओपन का सिंगल्स जो है वो किसने जीता, रॉबर्टो बॉटिस्टा ने जो कि स्पेन से हैं उन्होंने जीता, और उन्होंने किसको हराया, वो थॉमस बेडरिच को हराया जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डबल्स की, तो डबल्स में डेविड गफिन और पियरे ह्यूजस हर्बर्ट, इनकी जोड़ी ने रॉबर्ट हासे और मतवे मेडल कूप की जोड़ी को हराया, राइट। अब यहाँ पर हम सबका देख लेते हैं कौन किस कंट्री से संबंध रखते हैं, तो डेविड गफिन कहाँ से हैं, बेल्जियम से हैं, राइट, और पियरे ह्यूजस हवर्ट ये कहाँ से हैं, ये फ्रांस से हैं, और रॉबिन हासे और मतवे मेडल कूप कहाँ से हैं, नीदरलैंड से हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम सबका जो है कैपिटल देख लेते हैं, किस देश की कौन सी कैपिटल होती है, तो बेल्जियम की कैपिटल तो मैं बता चुका हूँ आपको, ब्रुसेल्स है, राइट। नीदरलैंड की कैपिटल नहीं हुई थी, तो नीदरलैंड की कैपिटल आपको पता होगी एम्स्टरडेम है, राइट। फ्रांस की कैपिटल आपको पता होगी पेरिस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र ओपन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर सिंगल्स किसने जीता, केविन एंडरसन ने जीता जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, और डबल्स के जो विनर्स रहे वो कौन, रोहन बोपन्ना और दिविज शरण रहे जो कि भारत से हैं, राइट, हमारे प्यारे भारत से हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल की, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल जो है इसमें जो सिंगल्स का जो मैच हुआ था उसमें काई निशिकोरी जो कि जापान से हैं, इन्होंने डेनिल मेदवेदेव जो रसिया से हैं इनको हराया, राइट। अब यहाँ पे एस डब्ल्यू का मतलब ये सिंगल्स का विनर, और एस आर का मतलब क्या है, सिंगल्स का रनर अप, राइट। रनर अप का मतलब वो होता है जो कि मतलब फाइनल्स तक पहुँचा लेकिन जीत नहीं पाया, राइट। अब हम आगे बात करते हैं डबल्स की, तो मार्कस डेनिल और वेस्ली कूलहॉप की जो जोड़ी है इन्होंने राजीव राम और जॉय सेल्सबरी की जोड़ी को हरा दिया, राइट। अब हम यहाँ पे सबका देख लेते हैं कौन कहाँ से हैं, तो मार्कस डेनिल जो हैं वो कहाँ से हैं, न्यूजीलैंड से हैं,
और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, और वेस्ली कूलहॉप कहाँ से है, नीदरलैंड से है, राइट। और नीदरलैंड की कैपिटल मैंने जस्ट अभी बताई थी, एम्स्टरडेम है, राइट। और राजीव राम कहाँ से, यूएसए से हैं, और जॉय स्टेलबरी कहाँ से, ब्रिटेन से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम अब हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क ओपन की। तो न्यूयॉर्क ओपन में सिंगल्स का विनर कौन रहा, रेली ओपेलका जो कि यूएसए से, ये सिंगल्स के विनर रहे। और डबल्स के विनर कौन रहे, केविन क्रेविट्स और एंड्रेस मीस, राइट। एंड्रेस मीस ये कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं, राइट। अब जर्मनी की कैपिटल का, जर्मनी के जो कैपिटल है वो क्या है, बर्लिन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्जेंटीना ओपन की। तो अर्जेंटीना ओपन में मार्सो सेचिनेटो जो कि इटली से हैं, इन्होंने अपना सिंगल्स का मैच जीता, और मैक्सिमो गोंजेलेज और हॉर्सियो जेल्बोस इन्होंने अपना डबल्स का मैच जीता। और ये जो मैक्सिमो गोंजेलेज और हॉर्सियो जेबेलोस जो हैं ये अर्जेंटीना से हैं, और मार्सियो सेचिनेटो ये कहाँ से, ये इटली से हैं, राइट। और इटली की कैपिटल आपको पता होगी, इटली की कैपिटल रोम है, और अर्जेंटीना की जो कैपिटल वो मैंने अभी बताई थी, ब्यूनस आयर्स है, राइट। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील ओपन की। तो ब्राज़ील ओपन में गाइडो पेला जो है वो अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने अपने सिंगल्स का मैच जीता, और फेडरिको डेलबोनिस और मैक्सिमो गोंजेलेज जो अर्जेंटीना से हैं, इन्होंने अपने मैच जो है डबल्स का मैच जो है वो जीता, राइट। देखिए यहाँ पर हम केवल विनर्स को देख रहे हैं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट मतलब टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो थोड़ा जो एग्ज़ाम है वो हम सेफ हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम केवल अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं उनके केवल विनर्स अकेले देख रहे हैं, और जहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आएगा तो वहाँ पे हम रनर अप जो खिलाड़ी हैं उनको भी देखेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं हंगेरियन ओपन की। तो हंगेरियन ओपन में मैटियो बरेटिनी जो कि इटली से हैं, इन्होंने फिलिप क्रेंजिनोविक को हराया, फिलिप क्रेंजिनोविक को हराया जो कि कहाँ से, सर्बिया से हैं, राइट। और जो डबल्स का जो मैच हुआ था उसमें केन सुपुस्की और नील सुपुस्की जो कि ब्रिटेन से हैं, इनकी जोड़ी ने मार्कस डेनिल और विसली कूल हॉप की जो जोड़ी है इनको हराया, राइट। अब केन सुपुस्की और नील सुपुस्की तो ब्रिटेन से हैं, राइट, और मार्कस डेनिल कहाँ से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, और वेजली कूल हॉप कहाँ से हैं, वो नीदरलैंड से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें जिनेवा ओपन की। जो जिनेवा ओपन कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। जिनेवा ओपन के अपने सिंगल्स के मैच में अलेक्जेंडर जेबरेव ने जो निकोलस है उनको हराया था। अलेक्जेंडर जेबरेव कहाँ से, जर्मनी से है, और निकोलस कहाँ से, चिली से हैं, राइट। और चिली की जो कैपिटल वो क्या है, सेंटियागो है। अब हम डबल्स के मैच की बात करें तो उसमें ओलिवर मराज जो कि ऑस्ट्रिया से हैं और मैट पेविक जो कि क्रोएशिया से, इनकी जोड़ी ने मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और रॉबर्ट लिंडस्टेड जो कि स्वीडन से, इनकी जोड़ी को हराया, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्वीडन, स्वीडन की जो कैपिटल वो आपको पता होगा स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम से नोबल पुरस्कार कुछ मिलते हैं, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं अतालिया ओपन जो कि टर्की में होता है, राइट। अतालिया ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने देखे हुए हैं। अतालिया ओपन जब भी होता है तो इसके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। देखिए अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-3 साल से तो ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, और ऑनलाइन पेपर्स एक नहीं होता, 14-14 15-15 दिन पेपर चलते हैं, और शिफ्ट में पेपर चलते हैं, राइट। तो उसमें ना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, राइट। आपने यदि देखा हो तो उसका जो वेटेज है वो बढ़ गया है, तो वहाँ पर जो है वो छोटी छोटी जो प्रतियोगिता है वो भी पूछने लगे हैं, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं अतालिया ओपन को। तो अतालिया ओपन का जो सिंगल्स का मैच जो है वो किसने जीता, लोरेंजो सोनेगो जो कि इटली से, उन्होंने जीता है। और उन्होंने किसको हराया, मियोमिर कैसमेनोविक को हराया जो कि सर्बिया से हैं, राइट। अब हम बात करें डबल्स के मैच की। तो जोनाथन एलरिच जो कि इसराइल से हैं और आर्तेम सितक जो कि न्यूजीलैंड से हैं, इनकी जोड़ी ने इवान डोडिंग और फिलिप पोलेसिक की जोड़ी को हराया। यहाँ पर इवान डोडिंग के बारे में हम अभी पहले देख चुके हैं, और फिलिप पोलेसिक जो हैं वो स्लोवाकिया से हैं, और स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राटिस्लोवा ऐसे कुछ है, या ब्राटिस्लोवा है इसकी कैपिटल, राइट, स्लोवाकिया की। एक बार आप लोग चेक जरूर कर लेना। अब हम बात करते हैं स्वीडिश ओपन की।
तो स्वीडिश ओपन में जो स्वीडिश ओपन का सिंगल्स का जो मैच था वो निकोलस जेरी ने जीता जो कि चिली से हैं, और इन्होंने जुआन लेगोंसियो लोंडेरो को हराया था जो कि अर्जेंटीना से हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डबल्स के मैच की, तो देखिए डबल्स का जो मैच है वो सैंडर जायल और जॉर्डन विलेजन की जो जोड़ी है उन्होंने जीता। सैंडर जायल और जॉर्डन विलेजन की जो जोड़ी है इन्होंने जीता। ये देखिए सैंडर जायल और जॉर्डन विलेजन ये दोनों कहाँ से, बेल्जियम से हैं, और इन्होंने किसको, फेडरिको डेलबोनिस और होरासियो जेबेलोस की जो जोड़ी है इनको हराया। ये दोनों भी कहाँ से, अर्जेंटीना से, राइट। देखिए जो दोनों यदि एक ही जगह से, तो मैंने एक ही जगह पर जो ब्रैकेट है उसमें लिख दिया है, तो उसमें आप समझ लेना, ये जो स्लाइड है उसमें आप समझ लेना। ये मत सोचना कि नहीं लिखा तो ये इसकी मैं भूल गया हूँ, मैंने जहाँ नहीं लिखा वहाँ पर दोनों जो खिलाड़ी हैं वो एक ही जगह से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं अटलांटा ओपन की, तो अटलांटा ओपन के जो सिंगल्स का मैच हुआ था उसमें एलेक्स डी मैन्योर जो कि ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने जीत दर्ज करी। इन्होंने टेलर फ्रिट्ज को हराया जो कि यूएसए से हैं। डोमिनिक इंग्लोट और ऑस्टिन क्रेगजिक क्रेजिसेक की जो जोड़ी है इन्होंने डबल्स का मैच अपना जीता, और इन्होंने बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन को जो कि यूएसए से हैं इनकी जोड़ी को हराया, राइट। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन की जोड़ी को इन्होंने हराया, राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कहाँ से, तो डोमिनिक इंग्लोट कहाँ से, ब्रिटेन से हैं, और ऑस्टिन क्रेजिसेक कहाँ से हैं, यूएसए से हैं, राइट। और बॉब ब्रायन माइक ब्रायन दोनों यूएसए से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं स्विस ओपन की, तो स्विस ओपन में जो अपना सिंगल्स का जो मैच था वो एल्बर्ट रामोस जो कि स्पेन से हैं इन्होंने जीता, और सेड्रिक मार्सेल स्टेबे को इन्होंने हराया जो कि जर्मनी से हैं, राइट। और डबल्स के मैच में सैंडर जाइल्स जिसको जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और जॉर्डन वेलिजेंसी दोनों की जोड़ी अभी पिछला जो एक स्लाइड में जो एक टूर्नामेंट था इन्होंने वहाँ भी जीता था, तो इनकी जोड़ी जो बेल्जियम से, इन्होंने फिर से फिलिप ओसवाल्ड और फिलिप पोलासेक इनकी जोड़ी को हराया। दोनों कहाँ से, स्लोवाकिया से हैं, राइट। सॉरी, ऑस्ट्रियन ओपन की बात कर रहे हैं अब हम, तो ऑस्ट्रियन ओपन में डोमिनिक थेम जो कि ऑस्ट्रिया से, इन्होंने अपनी जो सिंगल्स का जो मैच वो जीता। उन्होंने एल्बर्ट रामोस को हराया जो कि स्पेन से हैं, राइट। एल्बर्ट रामोस ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है इनके बारे में, देखिए। तो ऐसा ना, दो दो तीन तीन बार, चार चार पाँच पाँच बार एक एक खिलाड़ी का नाम आप जब सुनोगे तो खिलाड़ी कहीं नहीं जाने वाला, वो तो आपको याद होना ही होने वाला, राइट। अब हम बात करें डबल्स का मैच, तो डबल्स का मैच जो है वो फिलिप ओसवाल्ड और फिलिप पोलासेक जो कि फिलिप पोलासेक स्लोवाकिया से, और फिलिप ओसवाल्ड कहाँ से, ऑस्ट्रिया से हैं। इनकी जोड़ी ने जो सेंडर जाइल और जोरन बेलिजियन जो कि बेल्जियम से हैं, ये दोनों बेल्जियम से हैं, इनकी जोड़ी को हराया, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं क्रेमलिन कप की, तो क्रेमलिन कप कहाँ होता है, रसिया में होता है, रूस में होता है, राइट। और इसका जो अपना सिंगल्स का मैच है वो एंड्रे रबलेप ने जीता जो कि रसिया से हैं। इन्होंने एंड्रियन मैले रिनो को हराया जो कि फ्रांस से हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डबल्स की, तो डबल्स में मार्सेलो डेमोलाइडर जो कि ब्राज़ील से हैं, और मतवे मिडिलकूप जो कि नीदरलैंड से हैं, इन्होंने अपना मैच जीता। और इन्होंने सिमोन बोलेली और एंड्रेस मोल्टेनी को हराया, राइट, इनकी जोड़ी को हराया। और सिमोन बोलेली कहाँ से हैं, ये इटली से हैं, और एंड्रेस मोल्टेनी कहाँ से हैं, ये अर्जेंटीना से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं यूरोपियन ओपन की, तो यूरोपियन ओपन जो है वो कहाँ, एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था, और इसका सिंगल्स का मैच एंडी मरे ने जीता जो कि ब्रिटेन से। देखिए एंडी मरे बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, राइट। इन्होंने अभी हाल ही में जो 2019 इनका बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छे स्टार प्लेयर हैं, राइट। एंडी मरे, इनके बारे में आप याद रखना, ये ब्रिटेन से हैं, और इन्होंने स्टान बाबरिंका को हराया जो कि स्विट्जरलैंड से, ये भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं बाबरिंका, राइट। इनके बारे में भी आपने पेपर वगैरह में बहुत बार काफ़ी बार पढ़ा होगा, राइट। अब हम बात करते हैं डबल्स के मैच की, तो डबल्स के मैच में केविन क्रेविच और एंड्रेस मीस इनकी जोड़ी ने अपनी जो है वो जीत वो दर्ज करी। ये दोनों कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं, और इन्होंने राजीव राम और जो सेल्सबरी की जोड़ी को हराया, राइट। तो राजीव राम यूएसए से हैं, अब भी हमने देखा था, और जो सेल्सबरी कहाँ से हैं, यूके से हैं, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं एटीपी 500 की जो टूर्नामेंट है उनकी तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रोटरडेम ओपन, जो कि नीदरलैंड में होता है, राइट। और इसका जो सिंगल्स का मैच है वो गेल मोनफिल्स और स्टान वावरिंका के बीच में होता है, जिसमें जो गेल मोनफिल्स है उन्होंने अपना मैच जो है वो जीता। और ये कहाँ से, फ्रांस से हैं। स्टान वावरिंका के बारे में पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया था। अब हम बात करते हैं डबल्स का मैच। तो डबल्स का मैच जेरेमी चार्डी और हेनरी कॉन्टेनेन, इनकी जोड़ी, और जीन जूलियन रॉजर और होरिया टोकाउ, इनकी जोड़ी के मध्य हुआ था, बीच में हुआ था, जिसमें जेरेमी चार्डी और हेनरी कॉन्टेनेन की जोड़ी ने जीत दर्ज करी थी। अब जेरेमी चार्डी कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं, और हेनरी कॉन्टेनेन कहाँ से, फिनलैंड से हैं, राइट। और जीन जूलियन रॉजर नीदरलैंड से हैं, और होरिया टुकाउ कहाँ से, रोमानिया से, राइट। इन सब की जो कैपिटल्स है वो मैं पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं रियो ओपन की। तो रियो ओपन रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें सिंगल्स का मैच लियासो डेरे ने, जो कि सर्बिया से, उन्होंने जीता था। उन्होंने फेलिक्स अगर को हराया था, जो कि कनाडा से हैं। और जो डबल्स का मैच जो था वो मैक्सिमो गोंजालेज, जो कि अर्जेंटीना से हैं, और निकोलस जेरी, जो कि चिली से है, इनकी जो जोड़ी है, और थॉमस बेलुसी और रोजेरियो डुट्रा सिल्वा, इनके बीच में हुआ था, जिसमें मैक्सिमो गोंजालेज और निकोलस जेरी की जो जोड़ी है वो जीत गई थी, राइट। और जो डुट्रा सिल्वा है वो ब्राज़ील से हैं, और थॉमस बेलुसी ये भी ब्राज़ील से हैं, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात कर रहे हैं दुबई टेनिस चैम्पियनशिप की। तो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप जो है वो यूएई में हुई थी, राइट। और इसका जो सिंगल्स का जो मैच था वो रोजर फेडरर ने जीता, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, और उन्होंने स्टेफेनोस सिट्सिपास, जो कि ग्रीक से हैं, और इनको हराया, राइट। और ग्रीक की जो कैपिटल है वो क्या है, एथेंस है। अब हम बात करते हैं जो डबल्स का मैच हुआ था वो राजीव राम और जोए सेल्सबरी की जोड़ी और बेन मैकलकलेन और जॉन लेनार्ड के बीच में हुआ था, राइट। और जो इसमें राजीव राम और जोए सेल्सबरी की जो टीम है वो जीत गई थी। और हम बात कर रहे हैं बेन मैकलकलेन, ये कहाँ से, ये जापान से हैं, और जन लेनलार्ड कहाँ से हैं, ये जर्मनी से, राइट। जन लेनलार्ड कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन ओपन की। तो मैक्सिकन ओपन जो है वो निक कायर्जियोस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनके और अलेक्जेंडर जेबरेव के बीच में होता है, जिसमें निक कायर्जियोस जो है वो जीत जाते हैं और अलेक्जेंडर जेबरेव हार जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर जेबरेव और मीचा जेबरेव, इनकी जोड़ी का एक और मैच होता है, डबल्स का मैच होता है, राइट। और वो किस किस के बीच में होता है, ऑस्टिन क्रेजिसेक और आर्टम सिटाक, इनकी जोड़ी के मध्य में होता है, राइट। इनकी जोड़ी के बीच में होता है, जिसमें जो अलेक्जेंडर जेबरेव और मीचा जेबरेव हैं वो जीत जाते हैं, राइट। और ऑस्टिन क्रेजिसेक यूएसए से हैं, और आर्टम सिटाक कहाँ से, न्यूजीलैंड से हैं, ये मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बार्सिलोना ओपन की। तो बार्सिलोना ओपन बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, राइट, जिसमें सिंगल्स का मैच डोमिनिक देम ने, जो ऑस्ट्रिया से हैं, उन्होंने डेनिल मेदवेदेव, जो कि रसिया से हैं, इनको हरा दिया था। तो जो डेनिल मेदवेदेव कहाँ से, रसिया से हैं, और डोमिनिक देम कहाँ से, ऑस्ट्रिया से हैं, ये पहले भी हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। डबल्स का जो मैच है वो सेबेस्टियन कबल और रॉबर्ट फरा की जो जोड़ी है, जो दोनों कोलंबिया से हैं, उनकी जोड़ी का जो मैच है वो जिमी मरे, जो कि ब्रिटेन से हैं, और बुरानो सोरस, जो कहाँ से हैं, ब्राज़ील से हैं, इनकी जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें सेबेस्टियन कबल रॉबर्ट फरा की जोड़ी जो है वो जीत गई थी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हॉले ओपन की। तो हॉले ओपन कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, राइट। तो हॉले ओपन का जो सिंगल्स का खिताब रोजर फेडर ने जीता, उन्होंने डेविड गोफिन को हराया। डेविड गोफिन कहाँ से हैं, बेल्जियम से, राइट। और जो डबल्स का मैच हुआ था वो रॉबिन क्लासेन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और माइकल वीनस, जो कि न्यूजीलैंड से, इनकी जोड़ी, और लूकास कुबोट और मार्सेलो मेलो की जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबिन क्लासेन और माइकल वीनस की जोड़ी जीत गई थी। और जो लूकास कुबोट हैं वो कहाँ से, वो पोलैंड से हैं, और मार्सेलो मेलो कहाँ से हैं, वो ब्राज़ील से हैं, राइट। और पोलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, वारसा है, क्या है, वारसा है, वो पोलैंड की कैपिटल है, ये याद रखना आप, मे भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं क्वींस क्लब चैंपियनशिप की। तो क्वींस क्लब चैंपियनशिप ग्रेट ब्रिटेन लंदन में हुआ था, राइट। अब इसका जो जो सिंगल्स का जो मैच था वो स्पेन के फेलिसियानो लोपेज ने जीता था, राइट। उन्होंने जेल सिमंस को जो है पराजित किया था, हराया था, राइट। जाइल्स सिमंस कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, राइट। अब जो डबल्स का मैच हुआ था वो फेलिसियानो लोपेज और एंडी मुरे की जोड़ी और राजीव राम और जो सेल्सबरी की जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें फेलिसियानो लोपेज और एंडी मुरे की जोड़ी जीत गई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। हैमबर्ग यूरोपियन ओपन, हैमबर्ग जर्मनी में हुआ ये जो एक टूर्नामेंट हुआ था, और इसमें जो सिंगल्स का मैच था वो निकोलस बेसिलासेविली और एंड्री रबलेप के बीच में हुआ था, जिसमें निकोलोज जो है वो अपना मैच जो है वो जीत गए थे। अच्छा, निकोलोज कहाँ से हैं? जॉर्जिया से हैं, राइट। कहाँ से हैं? जॉर्जिया से हैं। अब हम बात करते हैं वॉशिंगटन ओपन। तो वॉशिंगटन ओपन कहाँ? यूएसए में होता है, राइट, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर? यूएसए में है। और इसका जो सिंगल्स का मैच जो है वो निक कायरजियोस जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने जीता था, और उन्होंने डेनिल मेदवेदेव जो रसिया के, उनको हरा दिया था, राइट। अब हम बात करते हैं चाइना ओपन की। तो चाइना ओपन का जो मैच है वो डोमिनिक देम ऑस्ट्रिया के जो है उन्होंने जीता था। उन्होंने स्टेफानोस सिटसिपास जो है वो ग्रीस से, उनको हरा दिया था, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो इवान डोडिंग जो क्रोएशिया से हैं और जो फिलिप पोलासेक जो स्लोवाकिया के हैं, इनकी जोड़ी, और लुकास कोबोट और मार्सेलो मेलो की जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें इवान डोडिंग और फिलिप पोलासेक की जो जोड़ी है वो जीत गई थी, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं जापान ओपन की, राइट। तो जापान ओपन का जो सिंगल्स का मैच है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था, और उन्होंने जॉन मिलमैन को हराया जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डबल्स का मैच। तो डबल्स का मैच जो था वो निकोलस मेहुट और एडवर्ड रॉजर वेस्लिन की जोड़ी और निकोला मैकटिक और फ्रैंक स्कूगोर की जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें निकोलस और रॉजर की जो जोड़ी है, निकोलस और रॉजर की जोड़ी है, ये इन्होंने जीत दर्ज कर दी थी। और जो निकोला मैकटिक और फ्रैंक स्कूगर जो हैं, ये दोनों कहाँ से? क्रोएशिया से हैं। कहाँ से? क्रोएशिया से हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं वियना ओपन की। तो वियना ओपन जो है वो डोमिनिक देम ने अपना सिंगल्स का मैच जीता जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, और इन्होंने डिएगो स्क्वाचमैन को हराया जो कि अर्जेंटीना से हैं, राइट। और जो डबल्स का जो मैच था वो राजीव राम और जॉय सेल्सबरी ने अपना जो मैच है वो जीता, राइट। और इन्होंने लुकास कुबोट जो कि पोलैंड से हैं और मार्सेलो मेलो जो कि ब्राज़ील से हैं, इनकी जोड़ी को हराया, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया वियना ओपन। अब हम बात कर रहे हैं स्विस इंडोर की। तो स्विस इंडोर का जो मैच है सिंगल्स का मैच, जो रॉजर फेडर ने जीता, इन्होंने एलेक्स डी मेनोर को हराया, एलेक्स डी मेनोर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डबल्स की। तो डबल्स का जो मैच था, जीन जूलियन और रॉजर होरिया की जोड़ी और टुकाओ टेलर फ्रिज और रेली ओपेल्का की जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें जीन जूलियन और रॉजर होरिया की जो जोड़ी है इन्होंने जीत दर्ज करी थी। और जो रॉजर होरिया है वो रोमानिया के हैं, और टुकाओ टेलर फ्रिज और रेली ओपेल्का, ये दोनों कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं एटीपी टूर मास्टर की, राइट। यहाँ पर अब और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आ जाते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन वेल्स मास्टर यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित हैं, तो वहाँ पर ये मैच होते हैं। तो इसका जो सिंगल्स का मैच डोमिनिक देम ने जीता जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, इन्होंने रोजर फेडर को हराया जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, राइट। अब हम बात करें डबल्स का मैच। तो डबल्स का मैच निकोला मैकटिक और होरासियो जेबलोस की जो जोड़ी है उसके, और लुकास कोबोट और मार्सेलो मेलो की जो जोड़ी है इसके बीच में हुआ था, राइट, जिसमें निकोला मैकटिक और होरासियो जेबलोस की जो जोड़ी है इन्होंने जीत दर्ज करी थी, और लुकास कोबोट और मार्सेलो मेलो की जो जोड़ी है वो हार गई थी, राइट।
तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, मायामी ओपन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें रोजर फेडर ने सिंगल्स में जीत दर्ज करी थी। इन्होंने जो जॉन इस्नर को हराया था, जॉन इस्नर कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डबल्स की, तो डबल्स में बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन की जो जोड़ी है, इन्होंने जीत दर्ज करी थी। इन्होंने वेस्ली कूल हॉप और स्टेफेनोस सिटसिपास की जो जोड़ी है, इसको हराया था, राइट। तो स्टेफनोस सिटसिपास कहाँ से हैं? ये क्रोएशिया से नहीं है, ग्रीस से हैं, है ना? यहाँ पे गलत लिख गया है, ये ग्रीस से हैं, है ना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं मोंटे कार्लो मास्टर्स के बारे में। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स का जो टूर्नामेंट है वो मोनाको में हुआ था, राइट। और इसका जो सिंगल्स का मैच, फेबियो फोगनिनी ने जीता था और इन्होंने डुसान लाजोविक को हराया था। देखिए, फेबियो फोगनिनी कहाँ से हैं? इटली से हैं, और डुसान लाजोविक सर्बिया से हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डबल्स की, तो डबल्स की जो जो विनर जोड़ी थी वो थी निकोला मैक्टिक और फ्रेंको स्कूगर की जो जोड़ी है ये थी, राइट। और दोनों क्रोशिया से हैं, और इन्होंने किनको? रॉबिन हासे और वेस्ली कूलहॉप को हराया था, जो कि नीदरलैंड से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, मैड्रिड ओपन की तरफ चलते हैं। तो मैड्रिड ओपन कहाँ पर होता है? स्पेन में होता है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि इसकी जो सिंगल्स का मैच है वो नोवाक जोकोविच और स्टेफनोस सिटसिपास के बीच में मध्य हुआ था, राइट। तो नोवाक जोकोविच ने ये मैच जो है वो जीत लिया था, और सिटसिपास जो है वो अपना मैच हार गए थे। और जो जीन जूलियन रोजर हैं नीदरलैंड के, और होरिया टोकाउ हैं रोमानिया के, इन्होंने अपना डबल्स का मैच जीत लिया था, और इन्होंने डिएगो स्क्वाजमैन और डोमिनिक देम की जो जोड़ी है उसको हरा दिया था, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, इटालियन ओपन की तरफ चलते हैं। और इटालियन ओपन का जो मैच है सिंगल्स का मैच, वो राफेल नडाल ने जीता था और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है, राइट, क्योंकि दो बहुत ही एक तगड़े अपोनेंट हैं, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच हाल ही में, राइट। तो इन दोनों के बीच में मैच हुआ था और राफेल नडाल ने मैच जीता था, राइट। अब हम बात करते हैं डबल्स की, तो डबल्स की जो जोवान सेबेस्टियन कवल है, या सेबेस्टियन कवल बोल सकते हैं हम इनको, ये और रॉबर्ट फरा, इनकी जोड़ी ने जो है डबल्स का मैच जीता, और इन्होंने रावेन क्लासेन और माइकल वेनस की जो जोड़ी है इनको हरा दिया था, राइट। और जो सेबेस्टियन कवल और रॉबर्ट फरा कहाँ से हैं? ये है कोलंबिया से, और रावेन क्लासेन और माइकल वीनस जो है, देखिए माइकल वीनस न्यूजीलैंड से हैं, और रावेन क्लासेन कहाँ से? साउथ अफ्रीका से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कनेडियन ओपन की। कनेडियन ओपन का सिंगल मैच जो था वो राफेल नडाल ने जीता, और डेनिल मेदवेदेव जो रसिया से, ये हार गए थे। और डबल्स का जो मैच था वो मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासिया जेबेलोस की जो जोड़ी है इन्होंने जीता था, और इन्होंने रॉबिन हासे और वेस्ली कुलहॉप की जोड़ी को हरा दिया था, राइट। अब हम बात करते हैं सिनसिनाटी मास्टर्स की। तो सिनसिनाटी जो मास्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है, राइट। और इसमें सिंगल्स का मैच डेनिल मेदवेदेव ने जीता था, जो कि रसिया से हैं, और इन्होंने डेविड गोफिन जो कि बेल्जियम से हैं इनको हरा दिया था, राइट। और जो डबल्स का मैच है वो इवान डोडिंग जो क्रोशिया से हैं, और फिलिप पोलासेक जो कि स्लोवाकिया के हैं, इनकी जोड़ी ने मैच जो है वो डबल्स का जीत लिया था। और इन्होंने जुआन सेबेस्टियन कवल और रॉबर्ट फरा जो कोलंबिया के हैं, इनकी जोड़ी को हरा दिया था, राइट। संघाई मास्टर्स की बात करते हैं हम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा। और इसका सिंगल्स का मैच था वो डेनिल मेदवेदेव इन्होंने जीत लिया था, और इन्होंने एलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी से हैं इनको हरा दिया था, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो जीता था मैट पेविक और ब्रूनो सोर्स की जो जोड़ी है इन्होंने जीता था। जो ब्रूनो सोर्स है वो कहाँ से? ब्राज़ील से हैं, और मैट पेविक कहाँ से? क्रोएशिया से हैं, राइट। और इन्होंने जिनको हराया था वो जोड़ी का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, लूकास कोबोट और मार्सेलो मेलो, इनकी जोड़ी जो है वो हार गई थी, राइट। तो लूकास कोबोट कहाँ से? पोलैंड से हैं, और मार्सेलो मेलो कहाँ से? ब्राज़ील से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें पेरिस मास्टर्स की। तो जो पेरिस मास्टर्स का जो मैच है सिंगल्स वाला, वो नोवाक जोकोविच ने जीता था, और उन्होंने डेनिस सेपो वेलोव को हराया। तो डेनिस सेपो वेलोव जो हैं वो कहाँ से हैं? वो कनाडा से हैं, राइट।
और डबल्स का मैच जो था वो पियरे ह्यूजस हार्बर्ट और निकोलस मेहत की जोड़ी ने जीता। इन्होंने कारिन कैचनोव और एंड्रे रबलेप की जो जोड़ी है इनको हराया था। और कैरिन कैचनोव और एंड्रे रबलेप जो हैं वो रसिया के हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एटीपी फाइनल्स की, राइट। तो एटीपी का जो फाइनल है वो कहाँ हुआ था? वो ओ2 एरिना में हुआ था। ये कहाँ पर? लंदन में है, यूके में है, राइट। और इसका जो मेंस सिंगल है वो स्टेफनोस सिटसिपास ग्रीस से हैं, जो उन्होंने जीता था। उन्होंने डेमनिक डेम को हरा दिया था, जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। और मेंस डबल्स का जो मैच हुआ था वो पियरे ह्यूजस हर्बर्ट और निकोलस मेहुत, जो दोनों के दोनों फ्रांस से हैं, राइट, उन्होंने जो मैच है वो जीत लिया था। उन्होंने रावन क्लासेन और माइकल वीनस की जो जोड़ी है उनको हरा दिया था, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करें लेवर कप की। तो देखिए लेवर कप जो है वो 20 से 22 सितंबर के बीच में प्लेक्सिपो में हुआ था, राइट। और इसमें जो टीम यूरोप है और टीम वर्ल्ड है इसके बीच में मैच हुआ था, जिसमें टीम यूरोप ने टीम वर्ल्ड को हरा दिया था, राइट। और इसमें टाई ब्रेकर जो पॉइंट है 10 पॉइंट की जो बात कर रहे हैं उसमें अलेक्जेंडर जेवरेव ने जो है वो जीत दर्ज करी थी मिलोस रोनिक के बीच में, और इससे ही जो जीत है वो पक्की हो गई थी। और इसका जो अगला जो एडिशन है, फोर्थ एडिशन, वो कहाँ होने वाला है? वो बॉस्टन में होने वाला, 25 से 27 सितंबर के बीच में 2020 में, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं हॉपमैन कप की। देखिए हॉपमैन कप जो है वो वुमेन्स और मेंस दोनों के बीच में होता है, और इसमें मिक्स मैच भी होता है। देखिए हॉपमैन कप एक ऐसा कप है जिसमें मिक्स मैच भी होता है, राइट। और हॉपमैन इस बार का जो हॉपमैन कप है वो स्विट्जरलैंड ने जीता, राइट। पिछली बार का भी आई थिंक स्विट्जरलैंड ने जीता था। और हॉपमैन कप जो है वो 31वां हॉपमैन कप है ये, राइट। और इसमें जो है वो स्विट्जरलैंड से बेलिंडा बेंसिस और रोजर फेडरर की जो मिक्स जोड़ी है, जिसमें बेलिंडा जो है वो वुमेन्स है और रोजर फेडरर जो है वो मेंस है, राइट। तो इनकी जो जोड़ी है इन्होंने जो है वो मैच जीता हुआ था, राइट। और जर्मनी की तरफ से एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर जेबरेव जो इन्होंने भाग लिया था, राइट। तो ये मैंने चारों खिलाड़ी आपको बता दिए। और इसमें जीता कौन है हॉपमैन कप में? स्विट्जरलैंड। देखिए ये जो क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स, जो कि मिलान इटली में हुआ था, राइट। और जिसमें सिंगल्स का जो फाइनल है वो जेनिक सिनर जो इटली के हैं इन्होंने एलेक्स डी मैन्योर को हरा दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। देखिए इसमें सिर्फ सिंगल्स मैच अकेला होता है, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो टूर्नामेंट है वो हम पढ़ेंगे वुमेन्स डिवीज़न के, राइट, जो कि WTA के अंतर्गत आते हैं। तो WTA के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिडनी इंटरनेशनल, जो इम्पोर्टेंट है वुमेन्स डिवीज़न में, राइट। तो इसमें सबसे पहले जो हम सिंगल्स का मैच देख रहे हैं, तो सिंगल्स का मैच जो है वो पेत्रा कवितोवा जो है इन्होंने जीता, जो चेक रिपब्लिक से हैं। इन्होंने एस्ले बार्टी को हराया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से, राइट। और डबल्स में अलेक्जेंड्रा क्रोनिक जो सर्बिया से हैं वो, और कैटरीना सिनियाकोवा जो है इनकी जोड़ी ने जो है मैच को जीता, राइट। और इन्होंने एरी हुजूमी और एलिसिया और रोसोल्स का इनकी जोड़ी को हरा दिया था, राइट। जो इरी हुजूमी वो जापान से हैं और एलिसिया रोसोल्स का कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, राइट। अब हम ब्रिस्बेन इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का जो मैच था वो कैरोलाइना प्लिस्कोवा और लेसिया सुरेंस्को के बीच में हुआ था, राइट। जिसमें कैरोलाइना प्लिस्कोवा ने जो है वो मैच जो है वो जीत लिया था, राइट, सिंगल्स का। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्स पीटरबर्ग लेडीज़ ट्रॉफी, जो कि सेंट्स पीटरबर्ग रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था, राइट। और इसमें कीकी बार्टेन जो है उन्होंने मैच जीत लिया था सिंगल्स का, और इन्होंने डोना वेकिक को हरा दिया था, जो कि क्रोएशिया से हैं, राइट। और जो डबल्स का मैच है वो मार्गरेटा गास्परयान और एक्टरीना मार्करोवा जो रसिया की, ये दोनों इनकी जोड़ी ने जीता। और इन्होंने एन्ना कालिंस्काया जो रसिया से हैं और विक्टोरिया कुंजमोवा जो स्लोवाकिया की हैं इसकी जोड़ी को हरा दिया था, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं कतर ओपन की। तो जो कतर ओपन है वो एलिस मार्टिन ने जीता सिंगल्स का मैच, इन्होंने सिमोना हॉलेप को हराया, जो कि रोमानिया से हैं, और एलिस मार्टिन बेल्जियम से हैं, राइट। अब हम बात करें डबल्स की, तो डबल्स का जो है वो मैच वो चान हाओचिंग और लतीसा चान, जो कि चाइनीज़ ताइपे से हैं,
इन्होंने जीता और इन्होंने एन्ना ग्रोनफील्ड और डेमी स्क्रोस को हराया था, राइट। तो जो एन्ना ग्रोनफील्ड हैं वो कहाँ से हैं, वो जर्मनी से हैं, और डेमी स्क्रोस कहाँ से हैं, वो नीदरलैंड से, राइट। अब हम बात कर रहे हैं दुबई टेनिस चैम्पियनशिप की। तो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप का जो सिंगल्स का मैच है वो बेलिंडा बैन के जो स्विट्ज़रलैंड से, इन्होंने जो मैच है वो सिंगल्स का वो जीता, और इन्होंने पेत्रा कवितोवा को हराया था जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, राइट। हम बात करें डबल्स की, तो सी सुवेई की जो जोड़ी है, सी सुवेई और बारबोरा स्ट्राइकोवा की जो जोड़ी है, इन्होंने जीत दर्ज करी थी, और इन्होंने लूसी हराडेका और एक्टरीना मार्करोवा इनकी जोड़ी को जो है वो हरा दिया था। और लूसी हराड्रेका ये कहाँ से है, चेक रिपब्लिक से हैं, और एक्टरीना मार्कोवा कहाँ से हैं, रसिया से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं इंडियन वेल्स ओपन की। तो इंडियन वेल्स ओपन का जो सिंगल्स का मैच था वो बियंका एंड्रीस्क्यू जो कनाडा से, उन्होंने अपना मैच जीत लिया था। उन्होंने एंजेलिक कर्बर जो जर्मनी से है उनको हरा दिया था। और जो डबल्स का मैच था वो जीता था एलिस मार्टिन्स और एरिना सबलेंका की जो जोड़ी है, उन्होंने जीता था। और जो एलिस मार्टिन है वो बेल्जियम से हैं, और जो एरिना सबलेंका है वो बेलारूस से हैं, राइट। और जो हारने वाली जो जोड़ी थी वो थी बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना स्निकोवा, राइट। तो ये कहाँ से हैं, दोनों चेक रिपब्लिक से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम बात करें मायामी ओपन। तो मायामी ओपन में जो सिंगल्स का मैच था वो एस्ले बार्टी ने जीता जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और कैरोलाइना प्लिस्कोवा जो चेक रिपब्लिक से हैं वो हार गई थी अपना मैच। देखिए मायामी ओपन्स का जो डबल्स का मैच है वो एलिस मार्टिन्स और एरिना सिबलिंका ने जीता, मतलब इनकी जोड़ी ने जीता, और इन्होंने समंथा स्टासर और झांग सुई की जो जोड़ी है इनको हरा दिया था। देखिए समंथा स्टासर जो है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और झांग सुई चाइना से हैं, और ग्रैंड स्लैम जो शुरू का जो वीडियो है, वीडियो का जो शुरुआत में जो ग्रैंड स्लैम में जब मैं बता रहा था तो वहाँ पर भी इनका नाम जो है आपने सुना होगा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं स्टटगार्ट ओपन। जो स्टटगार्ट ओपन जो जर्मनी में हुआ था, तो पेट्रा कविटोवा जो है वो चेक रिपब्लिक से हैं, उन्होंने एनेट कैंटावेट को हरा दिया था। एनेट कैंटावेट जो है वो कहाँ से, एस्टोनिया से है। अब हम बात कर रहे हैं मैड्रिड ओपन की। तो मैड्रिड ओपन जो स्पेन में हुआ था मैच, राइट, तो उसमें जो सिंगल्स का जो मैच था वो कीकी बर्टन ने जीता और इन्होंने सिमोना हालेप को हराया। और डबल्स का मैच जो था वो सी सुवेई और बारबोरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने जीता, इन्होंने गैब्रियला डेब्रोस्की और जू यिफेन की जोड़ी को हराया जो कि चाइना से थी, और डेब्रोस्की जो है वो कनाडा से थी, राइट, कनाडा से हैं, सॉरी। और जो सी सुवेई कहाँ से हैं, वो चीनी ताइपे, और बारबोरा स्ट्राइकोवा कहाँ से हैं, चेक रिपब्लिक, राइट। हम बात करते हैं इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन का सिंगल का जो मैच था वो कैरोलिना प्लिस्कोवा ने जीता और इन्होंने जोहाना कोंटा को हराया। जोहाना कोंटा कहाँ से हैं, यूके से हैं, और कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक से हैं, राइट। अब हम बात करें डबल्स की। तो डबल्स में विक्टोरिया अजरंका और एस्ले बार्टी का जो की जो जोड़ी है, इन्होंने अपना मैच जीता। विक्टोरिया अजरंका कहाँ से है, बेलारूस से हैं, और एस्ले बार्टी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, इन्होंने किनको हराया था, इन्होंने एन्ना ग्रोनफील्ड और डेमी स्क्रूस की जोड़ी को हराया था। अच्छा, एन्ना ग्रोनफील्ड जो है वो जर्मनी से है और डेमी स्क्रूस जो है वो कहाँ से है, वो नीदरलैंड से, राइट। अब हम बात कर रहे हैं बर्मिंगम क्लासिक की। तो बर्मिंगम क्लासिक, देखिए बर्मिंगम कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, और बर्मिंगम क्लासिक का जो मैच था वो एस्ले बार्टी ने सिंगल्स का जो मैच है वो जीता, उन्होंने जूलिया जॉर्ज को हराया था जो कि जर्मनी से हैं, जूलिया जॉर्ज। और जो डबल्स का मैच था वो सेम सी सुवेई और बारबोरा स्ट्राइकोवा ने जीता, और अन्ना ग्रोनफील्ड और डेमी स्क्रूस जो है वो अपना मैच हार गई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्या ईस्ट बोर्न इंटरनेशनल, राइट। ईस्ट बोर्न इंटरनेशनल का जो सिंगल्स का मैच था वो कैरोलिना प्लिस्कोवा और एंजेलिक कर्बर के बीच में हुआ था, जिसमें कैरोलिना प्लिस्कोवा ने अपना मैच जीता, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो चेन हाओचिंग और लातिसा चान जो है इन्होंने अपना मैच जीता डबल्स का, ये दोनों ने, और दोनों कहाँ से हैं, चाइनीज ताइपे, राइट। और
इन्होंने जो मैच जीता था वो किन से जीता था? क्रिस्टेन फिलिपकेंस और बेथनी मैटिक सैंड, राइट, बेथनी मैटिक सैंड, इनकी जोड़ी से ये जो है मैच जीता था उन्होंने। और जो क्रिस्टेन फिलिपसेन कहाँ से हैं? वो बेल्जियम से हैं। क्रिस्टेन फिलिपसेन और बेथनी मैटिक सैंड कहाँ से हैं? यूएसए से हैं, राइट। हम बात करें सिलिकॉन वैली क्लासिक, तो सिलिकॉन वैली क्लासिक का जो सिंगल्स का मैच था वो जेंग साई साई जो चाइना से हैं उन्होंने जीता, और उन्होंने एरिना सेबलेंका को हराया। एरिना सेबलेंका बेलारूस से हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कैनेडियन ओपन की, तो कैनेडियन ओपन में बियंका एड्रिस्कू जो कनाडा से हैं उन्होंने अपना सिंगल्स का मैच जीता, इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो बारबोरा क्रेसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा जो चेक रिपब्लिक से हैं, ये दोनों चेक रिपब्लिक से हैं, राइट, इन्होंने अपना मैच जीता डबल्स का। और इन्होंने एन्ना ग्रोनफील्ड और डेमी स्क्रुस्की जो जोड़ी है उनको हराया, राइट, जिसमें जो एन्ना ग्रोनफील्ड जो हैं वो जर्मनी से हैं और डेमी स्क्रुस कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करें सिनसिनाटी ओपन की, तो सिनसिनाटी ओपन का जो सिंगल्स का मैच था वो मेडिसन की ने जीता, और इन्होंने स्वेटलाना क्रूजनेट सोवा को हराया था। तो स्वेटलाना क्रूजनेट सोवा कहाँ से हैं? रसिया से हैं, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो लूसिया हर्डेका और एंद्रेजा क्लेपेक, जो एंद्रेजा क्लेपेक हैं स्लोवानिया से हैं, और लूसिया हर्डेका कहाँ से हैं? चेक रिपब्लिक से हैं। तो इनकी जोड़ी ने जो डबल्स का मैच जीता और इन्होंने एन्ना ग्रोनफील्ड और डेमी स्क्रूस को हराया था, राइट। तो एन्ना ग्रोनफील्ड कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं, और डेमी स्क्रूस कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं, राइट। अब हम बात करते हैं झेंगझो ओपन जो चाइना में स्थित है, राइट। तो झेंगझो ओपन जो है वो किसने? कैरोलिना प्लिस्कोवा ने जीता, इन्होंने पेट्रा मैट्रिक को हराया, राइट। तो पेट्रा मैट्रिक कहाँ की हैं? क्रोएशिया की हैं, और कैरोलिना प्लिस्कोवा कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक। अब हम बात करें पेन पैसिफिक ओपन की, तो इसको नियोमी ओसाका, इसका जो सिंगल का मैच था वो नियोमी ओसाका ने जीता, और एनेस्टासिया पेवली चेनकोवा जो रसिया से है ये अपना मैच हार गई थी नियोमी के अगेंस्ट, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो चारों खिलाड़ी जो हैं, मतलब डबल्स के जो चारों खिलाड़ी थे वो चाइनीज ताइपे, चीनी ताइपे के थे, राइट। और इनमें जो जोड़ी जीती थी उनका मैं नाम बता देता हूँ, चेन हाओ चिंग और लातिसा चान, इनकी जोड़ी जीती थी, राइट। और जो हार गए थे वो सी सुवेई और सी यू चे, राइट, सी सुवेई और सी यू चे की जो जोड़ी है वो हार गई थी, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। अब चाइना ओपन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियोमी ओसाका ने सिंगल्स का मैच जीता और एस्ले बार्टी हार गई उनके अगेंस्ट, राइट। जो डबल्स का मैच था वो सोफिया केनिन और बेथनी मैटिक सैंड, इन्होंने अपना जो मैच जीत लिया था, ये दोनों यूएसए से हैं, और इन्होंने जेलिना ओस्तापेंको और डियाना येस्ट्रीम्स्का जो यूक्रेन से हैं इनको हरा दिया था। अच्छा, यूक्रेन की कैपिटल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव, है ना, KYIV, कीव, है ना। अब हम बात करते हैं क्रेमलिन कप की, तो क्रेमलिन कप बेलिंडा बैंकिक ने जीता, और उन्होंने एनेस्तासिया पेलिविलेनचेनकोवा जो रसिया से है इनको हराया, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो सुंको अयोमा और एन्ना सिबानहारा जो जापान से हैं, ये दोनों जापान से हैं, इन्होंने अपना मैच डबल्स का जीता, और इन्होंने क्रिस्टेन फ्लिपकेंस और बेथनी मैटिक सैंड जो दोनों बेथनी मैटिक यूएसए से हैं और क्रिस्टेन फ्लिपकेंस बेल्जियम से हैं, तो इनकी जोड़ी को हरा दिया था, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं WTA Elite ट्रॉफी की, तो WTA Elite ट्रॉफी जो जूहाई शहर चाइना का है वहाँ पर हुआ था, राइट। तो इसका जो सिंगल्स का जो मैच है वो एरिना सेबलिंका और कीकी बर्टन के बीच में हुआ था, राइट, जिसमें एरिना सेबलिंका जो बेलारूस से है वो अपना मैच जीत गई थी, राइट। और जो डबल्स का मैच था वो युदमाइला केचेनोक
और एंद्रेज क्लेपेक के बीच में, सॉरी एंद्रेज क्लेपनेक की जो जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी है ये, और दुआन यिंगयिंग और यान जाओजुआन इनकी जोड़ी के बीच में हुआ था, जिसमें युदमाइला किचनोक और एंद्रेज क्लेपेक की जोड़ी जो है ये जीत गई थी, और दुआन यिंगयिंग और यान जाओजुआन की जो जोड़ी है वो हार गई थी, राइट। अच्छा, दुआन यिंगयिंग और जान जाओजुआन जो है ये कहाँ से हैं? ये चाइना से हैं, राइट। और युदमाइला कैचेनोक कहाँ से? यूक्रेन से हैं। और एंद्रेजा क्लेपेक कहाँ से हैं? स्लोवानिया से, राइट। अच्छा, स्लोवानिया की जो कैपिटल है वो क्या है? वो क्या है? जुबली जाना, राइट, जुबली जाना, राइट। यहाँ पे ना एक्चुअली एल है, तो वो एल जो है वो साइलेंट है, तो उसको क्या पढ़ते हैं? जुबली जाना, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करें WTA के फाइनल्स की। तो WTA का फाइनल शेनजिंग शहर में हुआ था चाइना के, और इसका जो सिंगल्स का मैच एस्ली बार्टी ने जीता था, और एलिना स्वितोलिना जो यूक्रेन से हैं इनको हरा दिया था, राइट। अच्छा, टिमिया बाबोस और क्रिस्टीना लादेनोइक की जोड़ी ने डबल्स का मैच जीता था WTA के फाइनल्स का, और इन्होंने सी जुवेई और बारबोरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी को हरा दिया था, राइट। और सीजुवेई कहाँ से? चाइनीज ताइपे से हैं, ये मैं कई बार आप अभी सुन चुके होंगे। और बारबोरा स्ट्राइकोवा कहाँ से हैं? चेक रिपब्लिक से हैं, राइट। और एलिना स्वितोलिना कहाँ से हैं? यूक्रेन से हैं, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस, वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।